हमारे दरमियान रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर हज़ारा जनाब अहमद जमान साहब मौजूद हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि इस कैंप के बारे में आप क्या कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं मशकूर हूँ डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स का और स्पेशली डीजी साहब का कि जिन्होंने एबटाबाद का चुनाव किया समर कैंप के लिए। डिफरेंट गेम्स के समर कैंप यहाँ पे हो रहे हैं और खुश की बात है हमारी कौमी हीरो हमारे कोच तहर इकबाल खान यहाँ पे मौजूद हैं और जो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो हमारे बच्चे हैं, ये हमारा सरमाया है, ये नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे इस मुल्क का, इस सूबे का नाम रोशन करेंगे। जी ये थे हमारे रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर अहमद जमान साहब, इनका ये कहना था कि ये छोटे बच्चे ये हमारे मुल्क का सरमाया हैं और ये कल इंशाल्लाह ताला अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे। और अब मैं चलता हूँ हमारे नेशनल कोच ताहिर इकबाल खान साहब के पास। हमारे नेशनल कोच ताहिर इकबाल खान साहब के पास उनसे जानना चाहूँगा कि एबटाबाद में यहाँ तशरीफ़ लाए आप हम आपको वेलकम करते हैं और आपसे इस कैंप के बारे में जानना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। पहले तो मैं सबको बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, स्पेशली अपने आरएसओ साहब का, अहमद जमान साहब का, कि उन्होंने हमें बहुत अच्छी तरह वेलकम। फील नहीं हो रहा कि वो घरों से बाहर हैं। हॉस्पिटैलिटी बहुत बेस्ट है यहाँ एबटाबाद की। हमें जैसे ही हमारे लोगों से मुलाकातें होती हैं, सब अच्छे लोग हमें मिल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा ये कि इन्वायरमेंट माशाल्लाह, वेदर जो है यहाँ का वो बहुत बेस्ट है, क्योंकि हमने जून में पिशावर में कैंप लगाया था तो वहाँ पे हमने ट्रेनिंग की, लेकिन बहुत हमारे बच्चे डिहाइड्रेट हो गए थे ज़्यादा स्वेटिंग की वजह से, ज़्यादा एग्जर्शन की वजह से। तो यहाँ पे जब हम आए तो बहुत अच्छा मौसम है और हम तकरीबन 2-3 घंटे एक्स्ट्रा फिज़िकल वर्क कर रहे हैं और हमारी एनर्जी उस तरह ज़ाया नहीं हो रही, तो ये हमारे लिए बहुत एडवांटेज है। ऊपर से हमें हिल मिले हैं यहाँ पे, माउंटेन्स मिले हैं, तो उसमें इनको बहुत अच्छी तरह हाइकिंग का मौका मिल रहा है, जिससे इनके फिज़िकल फिटनेस, स्पेशली इनकी लोअर बॉडी और इनके लंग्स को बहुत फ़ायदा हो रहा है, इनके लंग्स खुल रहे हैं। हमारा मकसद ये है कि इनके स्टेमिना को बढ़ाया जाए, इनके लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाया जाए। तो 10 दिन हमने फोकस किया हुआ है इसी चीज़ पे कि एबटाबाद के मौसम, यहाँ के इन्वायरमेंट, यहाँ के फैसिलिटी से हम फ़ायदा उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा फिटनेस करें। मैं स्पेशली डायरेक्टरेट जनरल ऑफ स्पोर्ट्स और डीजी साहब का, खालिद खान साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने ये मौका फराहम किया है हमें। और उसके बाद एक बार फिर मैं आरएसओ साहब का शुक्रगुजार हूँ कि वो इस तरह हमें टाइम भी देते हैं और हमें फैसिलिटेट कर रहे हैं।